पहली बार जो हमने अपनी मांगे रखी है, आज तक हमने अपनी मांगे कभी नहीं रखी है कि सरकार उतनी दूर होली मनाने क्यों जाती है। हम तो 2 किलोमीटर पर बैठे हैं, सरकार हमारे पास है, हमारे साथ होली मनाए, हमारी मांगों को सुने। सरकार ने कुछ आश्वासन दिया? नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। हम भारत के सैनिक होने के नाते हमको धरने पर बैठना पड़ रहा है। हम एक सैनिक हैं, अनुशासन में रहना जानते हैं, हम अनुशासन के हिसाब से ही अपनी मांगे रख रहे हैं। हम जो भी सरकार होती है उसके खिलाफ बोल करके दूसरे आपस में लड़ाने का काम करती है। मैं अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले 50 दिनों से जवान जो है जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए हैं। हाफ सेंचुरी इन लोगों ने मार लिया है, लेकिन अभी तक इन लोगों को सरकार ने क्या आश्वासन दिया है? हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ है मौजूद एक सर, क्या बोलेंगे सर? एक आप लोगों ने हाफ सेंचुरी मार लिया है, आप क्या कह रहे हैं? सरकार ने कुछ आश्वासन दिया? नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। क्या वजह है? जवान, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग धरने पे हैं। क्या है लोकतंत्र? क्या है सबका साथ सबका विकास? नहीं, सबका साथ सबका विकास से ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है। सबका साथ सबका विकास अलग चीज है और ये हमारी विसंगतियाँ अलग चीज है। किसान भी धरने पे हैं जी, जवान भी हैं, मजदूर भी हैं, तो कैसे कह सकते हैं लोग? जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो आपको लग रहा है क्योंकि आप एक जवान है और आप भी 50 दिन से लगभग धरने पे हैं, क्या लग रहा है? देखो, हमारा दुर्भाग्य, हम भारत के सैनिक होने के नाते हमको धरने पे बैठना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी जो है दुर्भाग्य हमारा। और किसान और जवान एक ही होता है, एक ही है। और जो हमारी मांगे हैं वो हमारी पहली बार जो हमने अपनी मांगे रखी है, आज तक हमने अपनी मांगे कभी नहीं रखी है। और सरकार ने हमें OROP दिया है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उस OROP में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं और हम चाहते हैं कि सरकार उसको दूर करे। अभी तो ये तो सबको मालूम है कि आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं सुन रही है सरकार, ये बताइए। जहां आप ही के जो बड़े बड़े कर्नल वगैरह है, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, अधिकारी हैं आपके, वो तो टीवी पे जाके डिबेट करते हैं। जी हाँ, वो टीवी पे जाके डिबेट करते हैं, यहाँ पे डिबेट करें ना, हम उनका अभी भी सम्मान करते हैं। आइए और हमारी जो विसंगतियाँ हैं, अगर वो जायज है तो हमारी मांगे सरकार तक ले जाए। सरकार क्या बोले? मेमोरेंडम तो भेजा होगा PMO ऑफिस जी? नहीं, हमने सरकार को ज्ञापन दिए हैं, हमने माननीय जो है राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया है, हमने माननीय रक्षा मंत्री को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। क्या तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हम सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को नज़रअंदाज ना करे, और अगर हमारी मांगे जायज हैं तो इन पे सुनवाई करे। मोदी जो है वो दिवाली और होली पे जवानों के साथ जश्न मनाने जाते हैं, और आज आप लोग जब धरने पे हैं तो एक बार भी नहीं आए, क्यों? हम भी चाहते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी धरने पे जो है 1000 किलोमीटर दूर जाते हैं, हम तो यहाँ 3 किलोमीटर दूर पे बैठे हैं, हमारे साथ आके भी तो कोई दिवाली होली मनाए। आप बोलिए, होली दिवाली मनाने जाते हैं प्रधानमंत्री आपके साथ? बाद में बोलूंगा, अभी क्या बोलेंगे? मैं चाहता हूँ कि सरकार उतनी दूर होली मनाने क्यों जाती है। हम तो 2 किलोमीटर पर बैठे हैं, सरकार हमारे पास है, हमारे साथ होली मनाए, हमारी मांगों को सुने और हमारे साथ विचार विमर्श करे, हम तैयार है सरकार के साथ। सरकार कहती है कि हम जवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए काम करते हैं, क्या लगता है आपको काम कर रही है सरकार? जी जरूर करती होगी काम, लेकिन हमारी जो मांगे वो तो सरकार ने अभी तक हमें रिप्लाई नहीं दिया, तो हम क्या साल बैठे? आप जवान है, बहुत मतलब एक लोकतंत्र को, आप लोग भारत की जनता को बचाने का काम करते हैं, एक प्रोटेक्शन देते हैं कि हाँ हम हैं और कोई भी घुसपैठ हमारे भारत में नहीं आएगा, और लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन आपके साथ ये हो रहा है, क्या बोलेंगे? हम एक सैनिक हैं, अनुशासन में रहना जानते हैं, हम अनुशासन के हिसाब से ही अपनी मांगे रख रहे हैं। हम जो है अदर उधर की तरह हम जो है उनके साथ जो है विचार विमर्श अपने अनुशासन के हिसाब से करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम उद्धव मचाएं, और हम एक सैनिक हैं, हम अपने डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं। अभी तक जो है आपको लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है? जी नहीं, लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है। लोकतंत्र खतरे में है सर? हाँ जी, लोकतंत्र खतरे में है या नहीं? नहीं, कोई खतरे में नहीं। जो विपक्षी पार्टियां कहती हैं लोकतंत्र खतरे में है, बोलने की आजादी नहीं है।
क्या हो रहा है? वो राजनीति है और राजनीति में एक दूसरे पे लाचन लगाना आम बात है। और हमारा देश लोकतंत्र खतरे में होता तो हम यहाँ पर क्या इतने धरना प्रदर्शन कर सकते थे? लेकिन ये तो है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अरे राम मंदिर बना दिया, अब क्या चाहिए, धर्म तो बच रहा है। ये राजनीति है और राजनीति के मुद्दे पर उछालने के लिए, उकसाने के लिए ऐसी कार्रवाई की जाती है। और ये दुनिया जो है तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हिंदू मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, राजनीति परे है, हम राजनीति में जाना ही नहीं चाहते। हम जो है सैनिक हैं और हम अपनी मांगों को अपने, क्या लग रहा है कब तक आपको यहाँ पे प्रदर्शन करना होगा? एक सैनिक जब तक जो है उस पर जान है तब तक वो अपने उस पर डटा रहेगा। जब तक जिएंगे, जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक यही रहेंगे। सरकार ने अभी तक कुछ तो आश्वासन दिया होगा? अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है और सरकार मंथन कर रही है, सरकार सोच रही है और जल्दी से जल्द हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। कुछ लोग कहते हैं कि जब उग्र होके हम कुछ काम करते हैं, टायर जलाते हैं, कुछ करते हैं, तब जाके सरकार अपने काबू में आती है। जी नहीं, वो राजनीति का विषय है, राजनीति से हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम एक सैनिक है, हम अनुशासन में ही रहना जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि 50 दिन से ज्यादा हो चुका है और अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि चाहे जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह धरने पे रहेंगे। आप लोगों की इस पूरी खबर पे क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।